सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब महंगे पेट्रोल की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे जो कि 236 किलोमीटर तक चल सकते हैं। और ये स्कूटर खरीदने के बाद आपको पेट्रोल वाले वाहन से छुट्टी मिल जाएगी और आप काफी अमाउंट सेव कर सकते हैं। साल 2021 खत्म होने वाला है। इस साल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और पॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में नया ऑप्शन बनकर उभरा है। इसलिए आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर फोकस करते हुए 2021 में लॉन्च हुए उन स्कूटर्स की जानकारी देंगे जो कम कीमत में अच्छी रेंज देते हैं और आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 5 पर जो स्कूटर आता है वो है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। इसकी रेंज 85 किलोमीटर की है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक में 4.8 किलोवाट कैपेसिटी की मोटर लगी है जो कि 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और 6.44 bhp की पावर जनरेट करती है। इसकी बदौलत चेतक 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। स्कूटर में 3 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है जो इको मोड में 95 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड में 85 किलोमीटर की रेंज देने में कैपेबल है। बजाज चेतक के 2 वेरियंट आते हैं जिसमे अर्बेन मॉडल की प्राइस 1.15 लाख रुपीज और प्रीमियम मॉडल की प्राइस 1.20 लाख रुपीज रखी गई है। नाम तो आपने बजाज चेतक का सुना ही होगा। काफी पुराना स्कूटर जो कि काफी फेमस स्कूटर था, उसी के नाम से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है बजाज ने, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। ये आपको आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब नंबर 4 पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है वो है अर्थ एनर्जी ग्लाइड। इस स्कूटर की रेंज 100 किलोमीटर की है। अर्थ एनर्जी ग्लाइड स्कूटर में कंपनी ने 2.4 वाट की कैपेसिटी की मोटर दी है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 92,000 इंडियन रुपीज रखी गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लाइड प्लस एक बार फुल चार्ज करने पर आपको 100 किलोमीटर की रेंज देता है। तो ये स्कूटर 100 किलोमीटर की रेंज के लिए है, ये भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इसकी प्राइस बजाज चेतक से कम है, 92,000 ओनली। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है वो है अथर 450X। इस स्कूटर की रेंज 116 किलोमीटर है और इसमें 6000 वाट PMSM की मोटर लगी है। इसकी बैटरी 2.9 किलोवाट की है जो फुल चार्ज होने में 5.45 आवर्स यानी करीब 5.5 घंटे का समय लेती है। एथर 450X की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1.13 लाख रुपीज से शुरू होती है और 1.32 लाख तक जाती है। और ये प्राइस एक्सोरूम दिल्ली है, एरिया के हिसाब से प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर लेना। यह 2 वेरियंट एथर 450 प्लस और एथर 450X में आते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो एक बार चार्ज होने पर 116 किलोमीटर की रेंज देता है। तो ये स्कूटर जो तीसरे नंबर पर है ये भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के, कि कहां से कौन सा और परचेज करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका हीरो इलेक्ट्रिक निक्स HX। इस स्कूटर की रेंज 165 किलोमीटर है। हीरो इलेक्ट्रिक निक्स HX स्कूटर में फुल चार्ज करने पर 165 हीरो इलेक्ट्रिक निक्स HX स्कूटर में फुल चार्ज करने पर 165 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें 600 वाट की मोटर लगी है जो कि 42 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज होने में 4-5 घंटे का टाइम लगता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस 67,540 रुपीज है। तो ये अभी तक का सबसे सस्ता स्कूटर और ज्यादा रेंज वाला स्कूटर हो गया है हीरो की तरफ से। और कंपनी भी काफी अच्छी है क्योंकि हीरो का तो नाम है, लोकल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसका हीरो इलेक्ट्रिक निक्स HX स्कूटर। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, काफी बेस्ट स्कूटर है। और अब इसके बाद जो नंबर 1 पर आता है स्कूटर
वो है आपका सिंपल वन की रेंज सबसे ज्यादा है अभी तक और इसकी रेंज है 236 किलोमीटर। सिंपल एनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन देश का सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज वाला स्कूटर है। कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद इको मोड में 203 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगा, लेकिन यह रेंज IDC कंडीशन पर 236 किलोमीटर की हो जाएगी। इस स्कूटर में आपको 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है जो कि काफी अच्छी है, जिसमें ये स्कूटर महज 3.6 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर और महज 2.95 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ले सकता है। सिंपल एनर्जी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4.8 किलोवाट पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगा। यह पोर्टेबल बैटरी पैक ग्रे कलर का है और इसका वेट 6 किलोग्राम से ज्यादा है। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 1.10 लाख यानी 1,10,000 रुपए करीब है और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टिप्स के बारे में कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में कौन सा स्कूटर अवेलेबल है इजीली, जिस पर ज्यादा वारंटी हो वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे सजेशन में अभी फिलहाल हीरो का इजीली अवेलेबल हो जाएगा जिसकी प्राइस भी कम है। हीरो इलेक्ट्रिक निक्स HX और रेंज भी अच्छी है 165 किलोमीटर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और अगर सिंपल वन आपके एरिया में मिल जाता है तो ये भी काफी बेस्ट रहेगा, तो इन दोनों स्कूटर्स में से आप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।